बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज हम लोग बनाएंगे चीज़ सैंडविच। उसके लिए मैंने लिए हैं 200 ml, मैंने लिए हैं दूध और एक मैंने इसका पैकेट लिया है। उसके बाद 10 ग्राम मैंने चीनी ली है और 5 ग्राम मैंने नमक लिया है और 500 ग्राम ये देखिए मैंने मैदा लिया है। अब इन सब और एक अंडा लिया मैंने, ये देखिए सबको मिक्स करके आपको बताता हूँ मैं। ये देखिए मैं तकरीबन 80 ग्राम ऑयल डाल रहा हूँ। ये देखिए जी सारा कुछ मिक्स हो चुका है। अभी इसके अंदर मैं मैदा डालता हूँ, 500 ग्राम जो मैंने लिया था इसको डाल के थोड़ा आधा डाल के इसको मिक्स कर लेते हैं। जो अच्छी तरह मिक्स करना है, इसके हम लोगों ने स्मूथ डो बनानी है। बाकी का भी इसके अंदर डाल देता हूँ मैदा। अब इसको हाथ के साथ गूंदना पड़ेगा क्योंकि ये इसके साथ गूंदा नहीं जाएगा। ये देखिए जो हम लोग चीज़ सैंडविच बना रहे हैं उसके लिए जो डो बनाई है इसको भी डाम करके थोड़ा 20 मिनट के लिए, 20 मिनट के बाद इसके सैंडविच बनाएंगे। डो थे उसका मैंने 4 इक्वली से कर लिए। ये देखें दो ये एक का मैंने बना लिया आपको। ये बना रहे हम लोग चीज़ ब्रेड, तो इसको भी ऐसे रोल करता हूँ मैं। इसके लिए थोड़ा सा स्प्रेड करना है मैदा ताकि इसके साथ चिपक ना जाए। ये देखें जी मैंने इसकी जो हम लोग चीज़ ब्रेड बना रहे हैं उसको मैंने ये ब्रेड बना ली है बड़ी सी। इसके अंदर इधर एक साइड के ऊपर अभी हम चीज़ डालेंगे। ये मुजरेला चीज़ मैंने ली है, इसके अंदर डालेंगे जितनी आपका दिल करता आप डाल सकते हैं। कुछ लोग कम पसंद करते हैं, कुछ ज़्यादा पसंद करते हैं, तो क्योंकि ये है ये चीज़ वाला तो जितनी दिल करता डालें आप। तो ऐसे पकड़ के फोल्ड करना है, जो साइड पर है इसको ऐसे दबा देना ताकि ये हमारी चीज़ बाहर ना निकले। ठीक है जी, इसको ऐसे पकड़ के फोल्ड करते जाएँ, साइड से अंदर की तरफ दबा लें ताकि चीज़ अंदर ही रहे बाहर की तरफ ना निकले। तो रोल करते जाना ऐसे, ये देखें इसको अंदर से दबा दें, इधर आके इतना छोड़ देना है। ठीक है जी, इधर छुरी ले रही है कोई भी चीज़ ले रही है उसे ऐसे कट लगा लें इसके साथ। देखिए मैंने एक अंडा लिया था तो उसका इधर उसको फेंटने के बाद उसको इधर ना थोड़ा सा उसका उसको ग्रीसिंग कर देते हैं अंडे की थोड़ी सी ब्रश के साथ, ताकि जो हम लोग इसको जब ऐसे लेके जाएंगे तो ये अच्छी तरह चिपक जाए उसके साथ। ये देखें इसको ऐसे लेके जाते जाएँ, उठा उठा के एक एक को इसके साथ लगाते जाएँ। अंडा लगा लेंगे या पानी लगा लें, अंडा नहीं है आपके पास तो ये अच्छी तरह चिपक जाएगा। इसको ऐसे उठा के ट्रे के अंदर रख लेने हैं। एक मैंने पहले बना के रखी है, अभी ये दूसरी बना ली है, बाकी दो भी बना के आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए जो हमारी 4 बैड कंप्लीट हो चुकी है चीज़ वाली। अभी इसको ढाँप कर तो 20 मिनट के लिए रख देते हैं ऐसे। चीज़ ब्रेड हम लोगों ने बना के रखी थी, इसको तकरीबन 10-15 मिनट हो गए। अभी इसके ऊपर लगा देते हैं अंडा। सब तरह अच्छी तरह लगा दें, इससे कलर बड़ा अच्छा आएगा, यकीन टेस्ट भी इससे अच्छा होगा। ये देखिए अंडा मैंने इसके ऊपर लगा दिया, अभी इसको ओवन के अंदर रखता हूँ 30 से 35 मिनट के लिए। देखिए जी ब्रेड के ऊपर थोड़े से तिल भी लगा रहा हूँ मैं अंडा लगाने के बाद। ये देखें जी हमारी जो चीज़ वाली ब्रेड है वो बन चुकी है। ये देखिए बाहर तक चीज़ आई है कितनी ज़बरदस्त। अभी इसको मैं प्लेट में निकाल के आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखें जी हमारी चीज़ वाली ब्रेड बन चुकी है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त चीज़ी है ये। आप भी घर पर बनाएं। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो तक। अल्लाह।